हेलो फटेटो, अभिवादन आपका एक्जिमर के इस नए वीडियो एपिसोड में। स्ट्रेन के इस दूसरे पार्ट के वीडियो से आज आप जानेंगे कि स्ट्रेन से बचे कैसे। ये और इनके अलावा और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में आपकी जानकारी के लिए। और अगर आपने इस वीडियो का पहला भाग नहीं देखा हो तो जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में उपलब्ध है। वीडियो के पहले भाग में हमने बात की है आई स्ट्रेन क्या होता है, क्यों होता है स्ट्रेन, इसके लक्षण क्या हैं, स्ट्रेन के नुकसान क्या होते हैं और स्ट्रेन का इलाज क्या है। और आइए अब बात करते हैं कि स्ट्रेन से बचे कैसे। स्ट्रेन से बचने के लिए आप 8 उपाय अपना सकते हैं। तो सबसे पहला उपाय है 20-20 खेलें। अगर आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं या टीवी देख रहे हैं तो काम के साथ 20-20 भी खेलते रहें। इसके लिए 20 मिनट तक लगातार स्क्रीन पर फोकस करने के बाद 20 सेकंड के लिए वहां से नजर हटाएं और अपने से 20 फुट की दूरी पर स्थित किसी चीज पर नजर फोकस करें। इसके अलावा T20 की तरह स्ट्रेटजिक टाइम आउट भी लेते रहें, यानी काम के दौरान हर घंटे आंखों को 5 मिनट के लिए आराम दें। हर 2 घंटे के बाद सीट से उठकर जाएं और कुछ चलने फिरने का काम निपटा लें। मसलन फोन पर ऑर्डर देने की बजाय चाय खुद लेने कैंटीन चले जाएं, पानी की बोतल खुद भरकर लाएं, जैसे कामों को आप कर सकते हैं। ऐसा करने से आंखों को आराम मिलेगा। टीवी देख रहे हैं तो भी बीच बीच में इसी तरह के छोटे छोटे ब्रेक लेते रहें। अगर आंखें पास की चीजों पर फोकस करती हैं तो उन्हें ज्यादा काम करना पड़ता है, ऐसे में बीच बीच में दूर की चीजों पर भी नजर फोकस करना जरूरी है। ड्राइविंग करते वक्त भी नजर लगातार सामने रहती है, ऐसे में बीच बीच में नजर स्पीडोमीटर पर भी आपको डालते रहना चाहिए। और जो दूसरा उपाय आप अपना सकते हैं वो है ज्यादा चमक से बचें। इसके लिए आप नॉन रिफ्लेक्टिव इंटरफेस का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। नॉन रिफ्लेक्टिव इंटरफेस का मतलब है ऐसी सतह जिससे कम से कम चमक आंखों पर पड़ती हो। अगर कुछ आप पेपर या मैगजीन से पढ़ सकते हैं तो उसे ऑनलाइन पढ़ने की कोशिश ना करें। पेपर पढ़ने से स्क्रीन पर पढ़ने के मुकाबले आंखों की मसल्स को कम मेहनत करनी पड़ती है और उन पर चमक भी नहीं पड़ती। इसके अलावा मोबाइल पर ज्यादा देर तक नजर ना टिकाएं। लेकिन आजकल तमाम फीचर से लैस मोबाइल फोन्स आ रहे हैं जिनमें अक्सर लोग लंबे समय तक नजरें जमाए रहते हैं। ऐसे में मोबाइल की स्क्रीन के रिफ्लेक्शन को कम करके रखें जिससे आंखों पर कम चमक पड़े। और तीसरा उपाय यह है कि आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन बदलें। कंप्यूटर फ्लैट स्क्रीन वाले हैं तो बेहतर है, उससे आंखों को कम नुकसान पहुंचता है। कुछ एक्सपर्ट तो कहते हैं कि हो सके तो कंप्यूटर स्क्रीन पर एंटी ग्लेयर फिल्टर का इस्तेमाल करें। इसी तरह एंटी ग्लेयर चश्मे का भी यूज किया जा सकता है। लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि आजकल कंप्यूटर स्क्रीन में ही ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को एडजस्ट करने की सुविधा होती है। इससे अपनी आंखों और आसपास की रोशनी के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं तो आंखों का तनाव खुद ही कम किया जा सकता है। कंप्यूटर की स्क्रीन उस तरफ न रखें जहां से रोशनी का रिफ्लेक्शन स्क्रीन पर पड़ता हो। मॉनिटर के ऊपर जमी धूल को रोजाना साफ करें। कंप्यूटर पर काम करते वक्त रोशनी की पूरी व्यवस्था रखनी चाहिए। कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन आपकी आंखों से भरपूर दूरी पर होनी चाहिए। इस दूरी को आप 20 इंच के करीब रख सकते हैं। फ्लिकर को काम करने के लिए स्क्रीन की रिफ्रेश रेट को 70 मेगाहर्ट्ज के आसपास रखना चाहिए। इसे सेट करने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज में जाएं, फिर यह रूट फॉलो करें, सेटिंग, एडवांस, मॉनिटर। यहां आप स्क्रीन रिफ्रेश रेट को सेट कर सकते हैं। और चौथी चीज जो आपको करनी है वो है टीवी की जगह LCD का इस्तेमाल करें। जिस जगह टीवी देख रहे हैं वहां रोशनी की भरपूर व्यवस्था होनी चाहिए। टीवी देखते वक्त यह सुनिश्चित करें कि रोशनी का स्रोत आपकी साइड से नहीं टीवी की साइड से हो। मतलब जब आप टीवी देखें तो प्रकाश उसी दिशा से आए जिस दिशा में टीवी की चमक आ रही है। सामान्य टीवी में फ्लिकरिंग रेट बहुत ज्यादा होता है, ऐसे में टीवी देखने के लिए आंखों की पुतली को बार बार छोटा बड़ा करना पड़ता है और आंखों की मांसपेशियां जल्दी ही थकती हैं। ऐसे में LCD का ऑप्शन बेहतर होता है। इसमें फ्लिकर रेट कम होता है और आंखों को आराम मिलता है। इसके अलावा लेट कर टीवी कभी ना देखें, इससे आंखों का एंगल अलग अलग हो जाता है जिसकी वजह से दिक्कत होती है। और जो पांचवी चीज आपको ध्यान रखनी है वो है आंखों की जांच। स्क्रीन पर लगातार काम करने वाले लोगों को अपनी नजर रेगुलर चेक कराते रहना चाहिए। जिन लोगों को बेहद कम नंबर के चश्मे की जरूरत है उनकी आंखों की मसल्स उस नजर की कमी की भरपाई करती हैं जिसके लिए उन्हें ज्यादा काम करना पड़ता है और थकान होती है।
इसलिए चश्मे का अगर कम से कम नंबर भी है तो भी आपको जरूर लगाना चाहिए। अगर आपका चश्मा 0.25 नंबर का है तो उसे आप जरूर लगाएं। अगर पहले से चश्मे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यह भी चेक कराते रहें कि चश्मे का नंबर बढ़ तो नहीं गया। गलत नंबर का चश्मा लगाना सर और आंखों में दर्द होने की वजह हो सकता है। साल में एक बार आंखों का जनरल चेकअप जरूर करा लें। इसके अलावा जो छठवीं चीज आपको करनी है वो है एक्सरसाइज करें। कंप्यूटर या टीवी देखने से आज के वक्त में हम पूरी तरह से तो बच नहीं सकते, लेकिन उससे होने वाले नुकसान को कम जरूर कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए, जैसे दोनों हथेलियों को आपस में तकरीबन 30 सेकंड तक रगड़ें। हथेलियां हल्की गर्म हो जाए तो इनसे दोनों आंखों को बंद कर लें। आंखों को इस तरह बंद करनी चाहिए जिससे रोशनी आंखों तक न पहुंच पाए। इस स्थिति में 2 मिनट रहें। ऐसा करने से थकी आंखों को काफी आराम मिलता है और इस प्रक्रिया को दिन में 2 से 3 बार आप दोहरा सकते हैं। इसके अलावा हाथ के अंगूठे को आंखों से तकरीबन 15 सेंटीमीटर दूर रखें और अंगूठे के टिप पर फोकस करें। गहरी लंबी सांस लें और जाने दें। इसके बाद करीब 4 मीटर की दूरी पर रखी किसी भी चीज पर आंखों को फोकस करें, फिर गहरी लंबी सांस लें और छोड़ दें। इस प्रोसेस को 3-4 बार दोहरा सकते हैं। दिन में 2 से 3 बार ऐसा आपको करना चाहिए। इसके अलावा पानी की 2 कटोरियां लें, एक में गर्म पानी लें और दूसरे में बर्फीला। दोनों कटोरियों में एक एक कपड़ा डालकर रखें। आंखों को बंद कर लें। पहले गर्म पानी में भिगोया हुआ कपड़ा आंखों पर आधे मिनट के लिए रखें। इसके बाद ठंडे पानी में भिगोया हुआ कपड़ा आंखों पर रखें। एक के बाद एक ऐसा करते जाएं। 2 से 3 मिनट ऐसा करें। इसके बाद उंगलियों से आंखों की हल्की मसाज कर लें। इसके अतिरिक्त आप आंखों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाएं। क्लॉकवाइज एक बड़ा सा 0 बनाएं, ऐसा ही 0 एंटी क्लॉकवाइज बनाएं। 10-10 बार दोनों तरफ ऐसा करें और दिन में 2 से 3 बार आप ऐसा करके अपनी आंखों को स्वस्थ रख सकते हैं। इसके अलावा काम के बीच बीच में आंखें बंद करके बैठें, 10 सेकंड के लिए ऐसा करें और फिर अपना काम करें। दरअसल खुली आंखें ऊर्जा को बाहर फेंक रही होती हैं, जबकि बंद आंखें ऊर्जा को हासिल कर रही होती हैं। आंखें बंद करने से न सिर्फ आंखों को बल्कि मन को भी सुकून मिलता है। इसके अलावा मुंह में ठंडा पानी भरें और आंखों पर पानी के छपाके मारें। ध्यान रहे कि छपाके सीधे आंख पर न जाकर लगे, इससे चोट लगने का खतरा रहता है। ऐसा दिन में 3 से 4 बार कर लें। जब भी आंखें भारी महसूस हो काम से ब्रेक लें और यह क्रिया करें। इसके अतिरिक्त गुलाब जल से भिगोई रुई लें और उसे 5 मिनट तक आंखों पर रखें। इससे ठंडक मिलेगी और तनाव कम होगा। इसके अलावा रोज सुबह हरी घास पर, अगर ओस वाली घास है तो बहुत ही अच्छा है, नंगे पैर आधा घंटा टहलें, आंखों की सारी गर्मी निकल जाएगी। आंखों की भावों को पकड़कर दबाते हुए आंखों की चारों तरफ से हल्की मालिश करें। इससे आंख के अंदर खून के बहाव में बढ़ोतरी होगी और आंखों का तनाव चला जाएगा। इसके अलावा सीधे किसी भी आसन में बैठ जाएं, सीधा हाथ सामने रखें, अंगूठा आंखों के सामने रखें, इसे देखते रहें। अब अंगूठे को सीधे हाथ की तरफ ले जाएं, नजर अंगूठे के साथ साथ चलती जाए। अंगूठा वापस बीच में ले आएं। इस क्रिया के दौरान गर्दन नहीं घूमनी चाहिए। अब यही क्रिया लेफ्ट हैंड से दोहराएं, 3-4 राउंड कर लेने चाहिए। इस दौरान नजर अपलक रहे तो अच्छा है। इसके अलावा सीधा हाथ सामने रखें, अंगूठा आंखों की तरफ ले जाएं, जितना देख सके देखें, इसमें भी पलकें न झपकाएं। आंखों को जल्दी जल्दी खोलें और बंद करें, ऐसा आप 15 से 20 बार कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कपालभाति, अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम आंखों के लिए बेहद अच्छे माने जाते हैं। इन चीजों के अलावा जल नेति और सूत्र नेति भी फायदेमंद है। इन योगिक क्रियाओं को किसी योग्य गुरु से ही सीख कर करना चाहिए और हरी सब्जियों का आपको सेवन करना चाहिए और साथ ही पूरी नींद आपको लेना चाहिए। तो आज के वीडियो में बस यहीं तक, और हमें उम्मीद है कि हमारी सलाहें आपकी आंखों को स्वस्थ बनाए रखने में मददगार साबित होंगी। इस विषय से संबंधित अगर आपका कोई प्रश्न, अनुभव या सुझाव हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे किसी से शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।